मैं हूँ डॉक्टर जय मदान और आपके लिए आज मैं बहुत स्पेशल चीज़ें लेकर आई हूँ, कुछ इंटरेस्टिंग कॉकटेल। जी हाँ, इसमें हम आपकी हेल्थ, आपकी वास्तु टिप, आपके आज के दिन को बेटर बनाना, आज के दिन में होना क्या है उससे आपको रूबरू कराना, आपको प्रोटेक्ट करना और साथ साथ आपकी जेनरिक लाइफ में जो बेसिक इश्यूज़ हैं, कभी बच्चों से रिलेटेड, कभी झगड़े से रिलेटेड, कभी लव लाइफ से रिलेटेड, इसको रिजॉल्व करना। इसलिए आप शो जब देखते हैं, इस बारे में आप और क्या डिटेल में जानना चाहते हैं, क्या आपके इश्यूज़ हैं, इसको कमेंट पे पोस्ट करें ताकि मुझे समझ में आए कि आपके साथ और किस किस चीज़ों पे मुझे बात करने की ज़रूरत है। तो आपके व्यूज़ का मुझे खास इंतज़ार रहता है। अपना आपको, अपने दिल को पूरा खोल कर आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, दैट इज़ व्हाट आई एम देयर फॉर, है ना। तो आप ये मत सोचिए कि ये चीज़ें ओपन या पब्लिक हो जाएंगी, आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं सो दैट आई नो व्हाट डू आई हैव टू टॉक अबाउट। तो चलिए फिर अब देर नहीं करते हैं, शुरुआत करते हैं आज के शो की। सबसे पहले मेष राशि की बात करते हैं। मेष राशि के लोग, आपके लिए आज का दिन अच्छा रहेगा, भाग्य को मजबूती से आज आपको साथ मिल रहा है तो मजबूती से काम करें। आपके लक की पूरी सपोर्ट आज आपके साथ रहेगी, दोपहर के बाद सिचुएशंस और ज़्यादा बदलाव में आएंगी, पॉजिटिव में आएंगी, जिसका आपको फ़ायदा होगा। आप अपने काम पर ध्यान देंगे तो मेहनत का अच्छा रिजल्ट भी आपको मिलेगा, बिजनेस में अच्छे नतीजे भी आपको मिलेंगे। आपके लिए लकी कलर है आज ऑरेंज। अपने दिन को अच्छा बनाने के लिए आप नंबर 1 को यूज़ करें और लक आपका साथ दे रहा है 80%। आइए वृश्चिक राशि की बात करते हैं। वृश्चिक राशि के लोग, आपके लिए आज का दिन उतार चढ़ाव से भरा रहेगा, दोपहर के बाद सिचुएशंस थोड़ी सी इरिटेटिंग हो जाएंगी, मेंटल स्ट्रेस से मुक्ति आपको दोपहर के बाद मिलेगी और उसके बाद आपको फाइनेंशियल गेन्स भी हो सकते हैं। किसी यात्रा पर जाएंगे जिससे मन को शांति मिलेगी। आपके भाग्य का सितारा बुलंद रहेगा लेकिन जीवन साथी के साथ झगड़ा होने की नौबत आ सकती है, इसीलिए सावधानी बरतें। नौकरी के लिए दिन अच्छा है। आपके लिए लकी कलर रहेगा वाइन, लकी नंबर रहेगा 9 और लक आपका साथ दे रहा है 77%। मिथुन राशि की बात करते हैं। मिथुन राशि वाले लोग, आपके लिए आज का दिन मिला जुला असर लेकर आएगा, दोपहर तक सिचुएशंस बहुत अच्छी रहेंगी और आपके पक्ष में भी होंगी, बिजनेस से फायदा होगा लेकिन दोपहर के बाद मानसिक चिंता आपको परेशान कर सकती है। दोपहर के बाद किसी खास काम में पैसे का इन्वेस्टमेंट नहीं करें, नहीं तो नुकसान उठाना पड़ सकता है। लकी कलर फॉर यू इज वार्निश कलर, लकी नंबर फॉर यू इज नंबर 2 और लक आपका साथ दे रहा है 67%। कर्क राशि की बात करते हैं। आज बिजनेस में अच्छा गेन होगा, जीवन साथी के साथ आपके रिलेशनशिप्स बढ़िया रहेंगे, काम के एरिया में आपके जो एफर्ट्स हैं ये रंग लाएंगे, परिवार का माहौल अच्छा रहेगा, एक दूसरे से प्रेम रखेंगे, परिवार के साथ आज किसी फंक्शन में भी आप जा सकते हैं, फैमिली में कहीं कोई अच्छी मूवमेंट हो सकती है, लेकिन बाहर जाकर अपनी हेल्थ का खास ख्याल रखें। आपको मौसम का असर दिख सकता है, यानी कि कुछ लाइट इन्फ्लुएंस ऑफ वेदर आप पर हो सकता है। अपने दिन को बेटर करने के लिए पैरट ग्रीन कलर को पहने। लकी नंबर फॉर यू इज नंबर 8 और लक आपका साथ दे रहा है 71%। सिंह राशि की बात करते हैं। आज बच्चों को लेकर आपकी चिंताएं बढ़ सकती हैं जो शाम होते होते कम हो जाएंगी। किसी एग्जामिनेशन में सफलता मिलने के पूरे चांसेस हैं। मैरिड लाइफ में सुख बढ़ेगा, जीवन साथी अपनी बातों को आपसे शेयर करेगा जिसको आप सोचने के लिए, अलग पर्सपेक्टिव से देखने के लिए मजबूर हो जाएंगे। बिजनेस में आपको अच्छा गेन होगा और खर्चों में एक मूवमेंट, एक ज़्यादा खर्चा थोड़ा बढ़ सकता है और हेल्थ भी थोड़ी वीक रहेगी, इसके लिए हम दिन को बेटर करते हैं। आपको आज का लकी कलर बताती हूँ। आज आप रोज़ गोल्ड कलर पहन सकते हैं, रोज़ गोल्ड की कोई ज्वेलरी अपने पास रख सकते हैं। लकी नंबर फॉर यू इज नंबर 3 और लक आपका साथ दे रहा है आज 74%। कन्या राशि की बात करते हैं। आज का दिन बढ़िया रहेगा, फैमिली और बच्चों पर पूरा ध्यान आप देंगे, दोपहर के बाद अपने लव्ड वन को खुश करने की पूरी कोशिश करेंगे और उसमें कोई कसर बाकी भी नहीं रखेंगे। फैमिली में कुछ तनाव का माहौल रहेगा और घर के किसी बुजुर्ग का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। काम के सिलसिले में आपकी मेहनत सफल होगी, किसी अलग तरीके से धन का लाभ होगा। लकी कलर फॉर यू इज मजेंटा, लकी नंबर फॉर यू इज नंबर 7
और लक आपका साथ दे रहा है 81%। तुला राशि के लोग, आज आपके घर आपके परिवार का पूरा ध्यान आप देंगे और घरेलू खर्चे भी करेंगे। काम के सिलसिले में आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। मैरिड लाइफ के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया रहेगा और आपके जीवन साथी के बीच रोमांस के अवसर जो हैं वो स्ट्रांग होंगे। अपने बेसिक कामों में आज आप थोड़ा सा कम ध्यान दे पाएंगे। फैमिली में छोटों का सपोर्ट आज आपको मिलेगा। लकी कलर फॉर यू इज नियॉन ग्रीन। लकी नंबर फॉर यू इज नंबर 14 और लक आपका साथ दे रहा है 73%। वृश्चिक राशि के लोग, आपके लिए आज के दिन ज्यादा बढ़िया नहीं है। किसी भी तरीके के ट्रैवल से दूर रहना जरूरी है, नहीं तो आपको फिजिकल हेल्थ के साथ साथ थोड़ा मानसिक स्ट्रेस भी बढ़ सकता है। खर्चों में एक अननेसेसरी ओवरग्रोथ आ सकती है, इससे जेब पर बोझ पड़ेगा। आपके लाइफ पार्टनर का हेल्थ खराब रहेगा। आपकी लव लाइफ में किसी बात को लेकर कहीं ना कहीं एक डिससेटिस्फैक्शन की भावना रह सकती है। लकी कलर फॉर यू इज सैफरन कलर। लकी नंबर फॉर यू इज नंबर 6 और लक आपका साथ दे रहा है 66%। धनुराशि की बात करते हैं, आज फैमिली का माहौल थोड़ा सा स्ट्रेसफुल रह सकता है, लेकिन काम के सिलसिले में किए गए सारे एफर्ट्स रंग लाएंगे। अपनी मेहनत का अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। लव लाइफ में रोमांस के अवसर मिलेंगे। मैरिड लाइफ में स्ट्रेस के बावजूद शाम तक सिचुएशन बेटर रहेगी। लाइफ पार्टनर आपकी भलाई का कोई काम करेगा और आप उससे बहुत खुश होंगे। लकी कलर फॉर यू इज स्टील ब्लू कलर। लकी नंबर फॉर यू इज नंबर 5। लक आपका साथ दे रहा है 71%। मकर राशि की बात करते हैं, आपके लिए आज का दिन थोड़ा कमजोर रहेगा। दिन की शुरुआत मानसिक तनाव के साथ होगी, लेकिन दिन के साथ आपको तनाव से मुक्ति मिलेगी और सेहत में सुधार भी आएगा। फैमिली में खूब अच्छा समय रहेगा। सभी मिलजुल कर खुशी से रहेंगे और कोई अच्छा काम करने का विचार भी करेंगे। काम के सिलसिले में नतीजे आपको अच्छे मिलेंगे। लकी कलर फॉर यू टुडे इज मरून। द नंबर दैट यू हैव टू यूज टुडे इज नंबर 9 और लक आपका साथ दे रहा है 78%। कुंभ राशि की बात करते हैं, आज आपकी इनकम में बढ़ोतरी होने से मन खुश होगा। आपको ट्रैवल में कोई अच्छा इंसान मिल सकता है, किसी अच्छे इंसान से मुलाकात हो सकती है, जिससे बात करने के समय आपको वक्त का पता ही नहीं चलेगा। मैरिड लाइफ में लव अच्छा रहेगा, आज इंटैक्ट रहेगा, समझदारी भी अच्छी रहेगी, रिश्ता बढ़िया से चलेगा। कलर दैट यू हैव टू यूज इज अनियन कलर टुडे। लकी नंबर फॉर यू इज नंबर 2 और लक आपका साथ दे रहा है 72%। आज आपके काम पर आप पूरा ध्यान देंगे, जिससे आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। शाम तक इनकम में थोड़ी ग्रोथ होनी शुरू होगी, जो आपको खुशी देगा। लव लाइफ के लिहाज से दिन थोड़ा कमजोर है, झगड़ा हो सकता है, इसीलिए सावधानी बरतें। लव लाइफ में आज कम समय दे पाएंगे। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो मैरिड लाइफ में थोड़ा सा स्ट्रेस रह सकता है। इसको दूर करने के लिए आज ग्रे कलर को यूज करें, ग्रे कलर पहनें। जिस नंबर को आप यूज कर सकते हैं टू मेक अ डे बेटर इज नंबर 6 और लक आपका साथ दे रहा है आज 64%। ठंड के मौसम में बालों में डैंड्रफ हो जाना एक आम समस्या है, जिससे बाल ना सिर्फ बेजान नजर आते हैं बल्कि बालों की रूट्स तक कमजोर हो जाती हैं। लेकिन कई ऐसे घरेलू नुस्खे हैं जिसे आजमा कर डैंड्रफ की प्रॉब्लम से छुटकारा पाया जा सकता है। चलिए तो आपकी डैंड्रफ दूर करते हैं। पहला काम, टमाटर के जूस में मुल्तानी मिट्टी को मिलाकर एक सॉल्यूशन बना लें। इसे सिर्फ 10 मिनट के लिए बालों में लगाएं, सूखना नहीं चाहिए। और फिर बालों में लगाकर 10 मिनट के बाद इसको जब हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा सूखे तो फटाफट धो लें। हफ्ते में ऐसा 2 बार करने से आपको फर्क दिखेगा। डैंड्रफ दूर करने के लिए दही एक बेहतरीन और कारगर उपाय है। दही बालों में लगाकर कुछ देर के लिए छोड़ें, सूखने के बाद बाल धो लें, इससे बाल सॉफ्ट हो जाते हैं। एलोवेरा का जूस भी मसाज करना आपके बालों के लिए फायदेमंद देगा। मेथी के दानों को भिगोकर इसका पेस्ट तैयार करें, इसे स्कैल्प पे लगाएं, कुछ देर के लिए छोड़ें, बाद में इसको धो लें। इसी तरह से नारियल या फिर ऑलिव ऑयल में कपूर मिलाकर बालों में मसाज करें, ये तो मैं खुद भी करती हूँ, इससे डैंड्रफ की प्रॉब्लम परमानेंटली गायब हो जाएगी। आइए आपको कुछ खास टिप्स देती हूँ। आई विल गिव यू फेंग शुई फॉर सक्सेस। जी हाँ,
आप पानी का जहाज जो जो शिप है, इट रिप्रेजेंट सक्सेस एंड गुड लक। आप पानी में अच्छे से स्मूथ पानी में सेल करते हुए शिप को अपने वर्क एरिया में लगा सकते हैं, ये सौभाग्य का प्रतीक है। इसी तरह घर या ऑफिस में अपने सामने आप ये फोटो लगा सकते हैं, वेयर आपकी लाइफ में आपके जो बड़े वेंचर्स हैं, जो बड़ी चीज़ें हैं, ये हमेशा मूवमेंट पर रहेंगे, इंपॉर्टेंट है। लेकिन बेडरूम में वाटर नहीं लगाना है, अपने वर्क एरिया में लगा सकते हैं, अपने डेस्कटॉप पे लगा सकते हैं, अगर आपके पास डेडिकेटेड वर्क प्लेस नहीं है तो। इट विल गिव यू अमेजिंग रिजल्ट्स। एक और खास चीज़, शिप जब लेफ्ट से राइट की तरफ जाती है, आप सामने देखें और वो आपके राइट की तरफ जा रही है, तब ये पॉजिटिव और अच्छा मूवमेंट लेकर आता है। लेफ्ट की तरफ जाने पे वो ग्रोथ, वो सक्सेस नहीं मिलती। सो मेक श्योर व्हाट यू यूज हैज टू गो टुवर्ड्स योर राइट। एक और खास चीज बताती हूँ, नेगेटिव ऊर्जा से बचने के लिए आपको कुछ चीज़ों को अवॉइड करना है। घर में कई बार लोग महाभारत की फोटोग्राफ लगाते हैं, इसकी पेंटिंग लगाते हैं, लोग अपने घर को सजाने के लिए, खूबसूरत बनाने के लिए महाभारत के रिलेटेड पेंटिंग लगाते हैं। याद रखिएगा, घर में महाभारत की किसी भी घटना की तस्वीर ना रखें और ना ही किसी दीवार पर आप लगाएं। इसका मतलब ये है कि घर परिवार के बीच में कहीं ना कहीं कलह, कहीं ना कहीं दिक्कत रहेगी। सो ट्राई एंड अवॉइड इट। अगर आपको पैसों की बहुत तंगी रहती है, पैसों की बहुत तकलीफ रहती है, तो आप पैसों के लिए कुछ खास कर सकते हैं। आपको अपने वीनस को स्ट्रॉन्ग करना है, जो आपको कंफर्ट, पैसा और लग्जरी देता है। आप ओम महालक्ष्मी नमः का जाप करें, सफ़ेद कपड़े दान करें, अपने खाने का कुछ हिस्सा गाय, कौवे और डॉग को निकाल के दें और शुक्रवार का व्रत रखें। कोशिश करें खट्टाई बिल्कुल ना खाएं और दो मोती लेकर एक पानी में बहा दें। आपको सच्चे मोती नहीं लेने हैं, सिंपल कोई भी सटल मोती ले लीजिए और इसको दो मोती लेकर एक पानी में डाल देना और एक मोती हमेशा आपने पास रखना है। ये कहकर मोती को डेली आपको 108 बार ओम शुम शुक्राय नमः का जाप करके चैंट करना है। ऐसा आप करेंगे तो आपको इसके परफेक्ट रिजल्ट्स बहुत जल्दी मिलेंगे। आइए मैं आपको बताती हूँ कि आप किसी के थंब से, सिर्फ सिंपल थंब से आप कैसे जान सकते हैं कि सामने वाले का नेचर क्या है। आपको थंब को सिर्फ ऐसे देखना है। अब आप मेरा अगर थंब देखें तो आप देख रहे हैं ये हल्का सा घुमा हुआ है, ये एरिया हल्का सा घुमा हुआ है। अगर रिजिड थंब होगा, आप अपना रख के देखिए, कई लोगों का थंब बिल्कुल ऐसे होता है। ये मेरी नेचुरल शेप है और ये रिजिड शेप है जिसको मैं करके दिखा रही हूँ। तो जब शेप थंब की ऐसे होती है तो ये लोगों का ज़िद्दीपन बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि ये आप हैं, तो ये रिजिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। इट रिफ्लेक्ट्स द पर्सन इज़ वेरी रिजिड। जितना ज़्यादा थंब इस तरह की शेप लिए हुए होगा, जितना बैकवर्ड बेंडिंग होगा, देख रहे हैं, इतना ज़्यादा इंसान में फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है, इतना ज़्यादा इंसान अपने आप को एडजस्ट करके चलता है। और एक बात, जो ये शेप थंब की होती है, जिसको हम वेस्ट लाइक थंब बोलते हैं, जैसे कमर जैसी शेप, जो यहाँ से पतली और फिर ऊपर से मोटी होती है, तो यहाँ से जब पतली थंब की शेप होती है, कमर की शेप में जब थंब होता है, तो ऐसे लोग ना सिर्फ एडजस्टेबल होते हैं, ये क्रिएटिव भी बहुत होते हैं, इनमें क्रिएटिविटी भी बहुत होती है। तो आप किसी का सिर्फ थंब देखकर जान सकते हैं कि इंसान एडजस्टेबल है, इंसान रिजिड है। जब फ्लेक्सिबिलिटी होती है तो फिर ऐसे लोग अपनी चीज़ पर अड़े भी नहीं रहते। कई बार लगता है यार छोड़, क्या जाना है, क्या करना है, छोड़ो, तो फ्लेक्सिबल होते हैं। जितना थंब रिजिड होगा, उतनी जिद, उतनी रिजिडिटी बढ़ती जाती है। आज का हमें हैप्पीनेस सूत्र भेजा है मृदुला ने। मृदुला ने ये कहा है कि जब लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशानी आए तो वन कैन डू ओनली वन थिंग, सिट बैक एंड रिलैक्स। जब तूफान बहुत तेज़ होता है तो आप तेज़ भागने नहीं लगते हो, आप एक चीज़ को पकड़कर बैठ जाते हो, आप स्टेबिलिटी देते हो। बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही हमें कुछ सिचुएशंस में करना चाहिए, जब ऐसे लगे कि सब कुछ हिल रहा है, कुछ भी कंट्रोल में नहीं हो रहा है। कंट्रोल योर सेल्फ, ओनली बैलेंस योर सेल्फ, बिकॉज यू कैन डू नथिंग अबाउट द सर्कमस्टेंसेज। सिर्फ उसको पकड़िए, उसको बैठिए और कुछ देर के लिए सब्र कीजिए, अपने आप चीज़ें स्टेबलाइज होती हैं, अपने आप चीज़ें सेटल होती हैं। इस खूबसूरती के साथ आप जिंदगी को चलाएंगे तो कुछ भी अजीब नहीं लगेगा। इट्स ऑलवेज द वे नेचर मूव। तो आप अपने आप को संभालें, अपनी ज़िंदगी को संभालें, इसकी पूरी कोशिश मैं करती हूँ और कल फिर आऊँगी इसी कोशिश के साथ आपकी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए। कल मिलते हैं, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।